ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षु क्या है? सब ठीक है। आज के दिन ऐसा होगा सोचा नहीं था। बड़े पापा बहुत नाराज हैं। पुलिस के सायरन की आवाज कैसे आई? कहीं अभी को पकड़ने तो नहीं आई है? हे भगवान, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? बिरला का लड़का होके गुंडागिरी करता है, वो भी मेरे एरिया में। चल थाने, अभी ठीक करता हूँ तुझे मैं। सर, मैं एक रेनाउंड डॉक्टर, कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ, ऐसे ट्रीट मत करिए मुझे। अरे, डॉक्टर की डिग्री तो तेरे पिताजी ने पैसे देके खरीद के दी होगी तुझे। अगर पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता तो यहाँ आवारागर्दी नहीं करता, हॉस्पिटल में रहता। और सुनो, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, अब चुपचाप निकल जाए यहां से, वरना मार मार के भगाऊंगा। मैं पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे इंस्टिगेट कर। मैं भी डॉक्टरों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ चुपचाप निकल जाए यहां से, वरना ऐसा केस बनाऊंगा कि बिरला हॉस्पिटल की जगह जिंदगी भर उदयपुर के सेंट्रल जेल में काटेगा। लेकिन क्या गलती है मेरी, क्या कसूर है मैंने कौन सा कानून तोड़ा है, कौन सा लॉ ऑर्डर तोड़ा है मैंने? तो अब तू पुलिस वाले को कानून सिखाएगा? नहीं सर, मैं आपको कानून नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया है, बस। कमंड तो देखो इसका, पुलिस वाले को कानून सिखाएगा ये? सर प्लीज समझने की कोशिश करिए। क्या समझाएगा तू मुझे? यहाँ दिलवाले दुल्हनिया का हीरो है तू, जो बिना सिमरन के तू यहाँ से हिलने वाला है नहीं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे सर से प्यार का भूत तो उतारना ही पड़ेगा। एक आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप निकल जाए यहां से, वरना इतना मारूंगा कि कोई डॉक्टर भी तेरा इलाज करने से घबराएगा। नहीं जाऊंगा सर। नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? हाँ सर, प्लीज। नहीं जाएगा? प्लीज सर, प्लीज अभी प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज गुस्सा मत करना प्लीज। अरे पापा, ये गलत है ना, तेरा बेचारे को मारना। बड़े पापा को सिखाओगे? इतने बड़े हो गए हो तुम, पता नहीं क्या हो रहा होगा अभिमन्यु के साथ, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक ड्राइवर के साथ जुगाड़ किया है, वो हमें न्यूज देता रहेगा, इनफैक्ट उसका मैसेज आया अभी। देखो पुलिस, मुझे समझाएगा तू? प्लीज सर। घूर रहा है, गुस्सा रहा है, मारेगा? मार, आजा मार। अरे मारना सर प्लीज। क्या प्लीज प्लीज लगा रखा है?
मार ना, बहुत बड़ा हीरो है ना, बहुत बड़ा तू। आजा आजा मार, अरे मार अभी। प्लीज आ तो ना, प्लीज प्लीज कुछ मत करना, प्लीज फाइट करना, आजा। क्या करूं? अभी प्लीज प्लीज कुछ मत करना, प्लीज गुस्सा मत करना, प्लीज। अरे फाइट करना। क्या हुआ हीरो, निकल गई एकड़ी पूरी? हाँ उतर गया प्यार का भूत सारा तेरा, आजा फाइट करना। अभी प्लीज शांत रहो, प्लीज 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 प्लीज। सर पहली बात, हम दोनों नोबल प्रोफेशन में हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारा काम लोगों की सेवा करना है, आपस में लड़ना नहीं है। और दूसरी बात, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उसके बावजूद अगर आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, मुझे सिर्फ अपने लॉयर को फोन करना होगा। मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मामला पर्सनल है, प्लीज इसे पर्सनल रहने दीजिए। इंस्पेक्टर अरेस्ट कीजिए इसे और लेकर जाइए यहाँ से, कब से तमाशा बना रखा है इसने हमारा। नहीं बड़े पापा प्लीज, अभी ने कुछ गलत नहीं किया उसको, प्लीज ऐसे मत करिए प्लीज। अक्षरा तुम चुप रहो, इंस्पेक्टर अरेस्ट कीजिए इसे। बड़े पापा प्लीज, मैं उसे अरेस्ट नहीं होने दूंगी प्लीज। चुप रहो अक्षरा, चल चल बैठ गाड़ी में। सॉरी बड़े पापा, अब नहीं रुक पाऊंगी मैं। अक्षरा वापस आओ। बड़े पापा प्लीज जाने दीजिए उसे। चुप रहो तुम। अभी ने कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा तुम जाओ अंदर वापस। नहीं अभी। अच्छा पागल हो गई हो क्या? अभी मुंह के बल गिर जाती, सर्वर फूट जाता, कुछ हो जाता, कुछ फ्रैक्चर हो जाता तो कहां टूट जाते, तो वेडिंग फोटोग्राफ में क्या लगती पोपली? उठिए प्लीज, वो लग गई होगी। सॉरी वो मैं भागा था तो गलती से। हाँ, वो मुझे बचाने के चक्कर में गलती हो गई। अब एक गलती की सजा तुम भुगतोगे, ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाने के जुर्म में। हाथ कब उठाया मैंने? इट वाज एन एक्सीडेंट। हाँ प्लीज एक्सीडेंट को अटैक मत बोलिए सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपसे। प्लीज प्लीज सर आइए बैठ के बात करते, सॉर्ट आउट करते। अब जो भी बात करनी है थाने में चल के करेंगे। अब चलो थाने डॉक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों सर, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो मैं बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी। सर प्लीज आप बात तो सुनिए। अखिलेश मुझे लगा था कि पुलिस इसे पकड़ के ले जाएगी और ये तमाशा खत्म हो जाएगा, मगर ये तो बात बढ़ती जा रही है। सर बात सुनिए, आप बिना चुमके कैसे लेके जा सकते हो उसे? सर इट्स इलीगल, आप ऐसा नहीं लेके जा सकते उसे। मैं तो ऐसे ही लेके जाऊंगा। सर आप एक इनोसेंट को अरेस्ट कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, इट वाज एन एक्सीडेंट। ये बात तू अदालत में प्रूफ करना, अभी तो थाने चल। बात तो खत्म ही नहीं हो रही है, थोड़ी देर में लोग निकल निकल के देखना शुरू कर देंगे। अरे भाई साहब लोग तो मजा लेंगे ही तमाशे का। दिखने में तो इनका लड़का बड़े शरीफ खानदान का लगता है। समझ क्यों नहीं रहे, मेरी कोई गलती नहीं। ज्यादा चिल्लाएगा तो FIR और बड़ी बनाऊंगा। अभी प्लीज प्लीज कुछ मत बोलो प्लीज। शी इज राइट, जितना बोलोगे उतना बात उलझ जाएगी और अभी के लिए शांत रहो। लेकिन स्टॉप, कुछ नहीं बोलूंगा, शांत हो जाओ। चलो ये रिश्ता क्या कहलाता है।